हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपकी ट्वेल्थ क्लास की रिटेल का सेकंड यूनिट का फोर्थ सेशन कर रहे थे, तो आज हम उसका टॉपिक करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि ECRM। इससे पिछले वीडियो में हमने उसका मीनिंग किया है कि ECRM क्या है। आज के वीडियो में हम करेंगे कि करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ECRM की क्या विशेषताएं हैं। तो क्या क्या विशेषताएं हैं कि ये हमें क्या अलाउ करता है? इंटरेक्ट एंड मेक रिलेशंस विद कस्टमर एंड एम्प्लॉयज़ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, यानी कि हम कस्टमर और कर्मचारियों से इंटरनेट के माध्यम से संबंध बना सकते हैं। तो इसका मीनिंग भी यही है, ECRM मतलब इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कि हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके का यूज़ करके, जैसे कि इंटरनेट है, कंप्यूटर है, ईमेल है, ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करके हम कस्टमर से संबंध बनाते हैं। तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये इसके द्वारा या इट ये क्या अलाउ करता है हमें कि हम हमारे कस्टमर से और एम्प्लॉय से, यानी कि हमारे कस्टमर और कर्मचारियों से इंटरनेट का इस्तेमाल करके आसानी से संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है, इट इज़ क्विक, यानी कि काम जल्दी हो जाता है। अगर हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हमारा जो भी काम होता है वो आसानी से हो जाता है और जल्दी हो जाता है, समय कम लगता है। थर्ड इज़ रिलायबल, यानी कि विश्वसनीय। यह एक विश्वसनीय तरीका है, क्यों? क्योंकि हम इंटरनेट के माध्यम पे विश्वास कर सकते हैं, रिलाय कर सकते हैं और हम अपना काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं। रिड्यूस्ड कॉस्ट, यानी कि लागतों में कमी। अगर हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो हम एक साथ काम ज़्यादा कर सकते हैं, एक साथ बहुत से कस्टमर से संबंध बना सकते हैं और इससे हमारी लागतें भी कम होती हैं, खर्च कम उठाना पड़ता है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन मेंटेनिंग बेटर रिलेशन विद कस्टमर। हम कस्टमर से बेहतर संबंध बना सकते हैं। बेहतर संबंध कैसे बना सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट पे या कंप्यूटर पे हम कस्टमर से ज़्यादा समय तक संबंध स्थापित कर सकते हैं, लंबे समय तक कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं, तो हमारे रिलेशन पहले से बेटर हो जाते हैं, संबंध बेहतर हो जाते हैं। एंड ऑल द कस्टमर डेटा कैन बी सेव्ड ईजिली। कंप्यूटर पे जितनी भी कस्टमर की जानकारी है, जितनी भी उसकी जानकारी है कस्टमर से संबंधित, हम आसानी से इंटरनेट पर सुरक्षित रख सकते हैं, अपने कंप्यूटर पर सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट्स कि ECRM की क्या क्या विशेषताएं हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डाल के पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आपकी हर एक समस्या दूर हो। थैंक यू।